ये जो बात अभी सामने आ रही है हमारी दुनिया, आप तो काफी दिन से हैं इनके लाइन में, तो ये किसकी है? कि ये सुब्रतो राय की है और सब खाली लूटने के, शुरू से ही लूटने का 2003 से इन लोग कन्वर्जन का स्टार्टिंग किया था। बोल देगा कि तो सहारा है नहीं तो हमारी दुनिया अलग। हाँ हाँ, वो कंपनी हमारे दुनिया, सहारा दुनिया हमारा ना है। और ये हमारे सुब्रतो राय का दुनिया, दुनिया हमारे दुनिया, तब लूट लिया उन लोग, लूट लिया है ना, जिंदगी लूट लिया, पैसा लिया, धन दौलत लूट लिया, अब इंडिया को लूट लिया, अब हमारी दुनिया को पूरे लूट लेगा इन लोग। हमारी दुनिया जी, इंडिया का नाम था, हमारी हमारी दुनिया को ले। तो आइए कुछ जान लेते हैं, महिलाएं यहाँ पे पहुंची हुई हैं, कहाँ से आए हैं आप? पीपरटोली से आए हैं। क्यों आए हैं यहाँ पे? पैसा जमा किए उसका जानने के लिए, पैसा लेने के लिए, पता नहीं पैसा कौन देगा हमको भी नहीं मालूम। क्यों आई हैं यहाँ पे? सहारा बोला था कि पैसा जमा करेंगे, इतना करोगे तो इतना देंगे बोल के, सहारा बोल के अभी तक हम लोग को पैसा नहीं मिल रहा। अभी क्या करते हो? हम लोग रेजा काम करते हैं। आप क्या करते हैं? मैं भी रेजा काम करती हूँ। सुन लिया आपने, इसीलिए हमने कहा था ये रेजा कुली का काम करती हैं दिन भर। फिर से हम वही कहेंगे कि यदि आप रांची में नहीं हैं तो आप शायद नहीं जानते होंगे, हालांकि कई लोग ऐसे हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में इन लोगों जैसा काम करते होंगे। रातू रोड और लालपुर चले जाइएगा आप, सड़कों किनारे ये बैठे रहती हैं कि कोई आएगा और हमें वो दिन भर का रोजगार देगा। काम के इंतजार में सुबह 6 बजे विभिन्न इलाकों से, सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों से ही आकर के बैठे रहती हैं रोजगार के तलाश में। दिन भर का कितना मिलता है भाई? 350-400 रुपए दिन भर ये काटती हैं। तो और उसी में परिवार भी चलाना है और उसी में से कुछ बचत करके अपने आगे की जिंदगी के लिए, जो परिस्थितियां विकट परिस्थितियां हो उसे उभरने के लिए इन्होंने विश्वास जताया और सहारा में जमा किया। आपने क्या किए हैं? कितना जमा किए हैं आप? महीना का 600 जमा करते थे। कितना अभी जमा है टोटल, कुछ याद है? अभी तो नहीं याद है, कुछ कुछ याद नहीं है। आपने कितना जमा किया है? हम लोग 300 का जमा किए हैं। कितना रुपया था? तो हम लोग 300 का पूरा हो गया है। कितना 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 भी जमा हुआ है उतना, कितना पूरा हुआ है याद नहीं आ रहा है। कितना रुपया का महीना जमा करते थे? 1300 रुपया का। बोलने में भी इनको डर लग रहा है कहीं इनकम टैक्स ना आ जाए। इनकम टैक्स वाले नहीं आएंगे, चिंता मत कीजिए। आप कितना जमा करते थे? महीना का 600 जमा करते थे। कैसे जमा करते थे बताइए? आपको 350-400 रुपया आपको मिलता है तो कैसे घर चलाते थे आपको और कैसे आप जमा करते थे? उसी में जो बचता था उसी को जमा कर करके रखते थे हस्बैंड से छुपा छुपा के। सुना आपने? सुन लिया आपने? अब लोग नहीं छोड़ेंगे पैसा, क्योंकि अपना जीवन भर का कमाई रखे हैं, बाल बच्चा का पढ़ाई के लिए, शादी ब्याह के लिए, आज कहाँ हम जाए? आज सरकार से ही गुहार करेंगे ना कि हमारा पैसा जब लाइसेंस दी है तो उसको हम लोग को पेमेंट करने के लिए भी हम उसी से हम मांग करेंगे। क्या बोलता है लोग, गाली गलौज भी करता है लोग? हाँ, पार्टी लोग तो बहुत तरह तरह का बोलते हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि किसी को मेरा पर भरोसा नहीं किए थे, सहारा इंडिया पर भरोसा किए थे तो आज वही पेमेंट देगी, क्या कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, हम रखे नहीं है अपने पास, आज वही उसी से लड़ाई करेंगे, वही हम लोग को पैसा देगा, सरकार ही दिलाएगा, हम तो यही भरोसा करते हैं। कहे कि लाइसेंस दी है तो वही ना कराएगा, कौन कराएगा? और सरकार आज हम बनाए हैं और जब 2024 होगा तो जब तक हम लोग भुगतान नहीं होगा तो हम लोग मतदान नहीं करेंगे। आखिर आंसू ये क्यों निकल रहे हैं? हम कितने बार इन खबरों को दिखा चुके हैं, आप लगातार बोलते बोलते महिलाएं भावुक हो जा रही हैं। क्या इन आंसुओं का जवाब एसी में बैठे लोगों के पास नहीं है? उन्होंने एक सवाल उठाया था कि कई जगह छापेमारी चल रही है लोगों की बातों को दिखाने के लिए, मतलब जो लोग अनलीगल काम किए हैं उन पर छापेमारी चल रही है, लेकिन ये बोल रहे हैं क्या ये लीगल था या यह लीगल है? ये लोग सवाल कर रहे हैं लगातार। ये सवाल क्यों उठ रहा है? इन आंसुओं का जवाब आखिर कौन देगा? क्या लगता है आपको, ये आंसू आपके कोई देख पा रहे हैं? जरूर देखना चाहिए सरकार को, आज हम जनता चुने हैं, सरकार को बैठाए हैं तो हमारे आंसू को जरूर देखे और निर्णय ले कि आज क्यों बैठे हैं, उसको क्यों बैठाए हैं। खाना खा के आए हैं आप लोग? हम लोग नहीं खा के आए हैं सर, आज हम लोग भूख हड़ताल में बैठे हैं कि हम लोग का मांगे पूरी हो। सुन लीजिए साहब, ये स्थिति है।
मतलब कोई जवाब नहीं मिल, कोई जवाब नहीं मिल रहा। एजेंट हम है सर। अच्छा। ठीक ना, इस इनका पैसा हम ही जमा करवाए थे और एक एजेंट है वो भी जमा करवाए थे। इनका लड़का का देहांत हो गया कुछ महीना पहले, एक महीना जैसा हो रहा, और उस पैसा का अभाव में ना ये इनका मतलब कि बीमारी को इलाज करवाया जा सका, उसके आवाज में देहांत हो गया। बड़ी दुखद ऐसा लग रहा था कि हम लोग कहाँ पैसा इनका डाल दिए, जो कि समय पे काम नहीं आया इनका पैसा, तो ऐसा मतलब गलानी फील हो रहा था इनको भी और हमको भी हो रहा है अंदर से सर। आप ठीक है, वो हो रहा है वो तो हम भी समझ रहे हैं, कितनी बार परेशानियों को दिखा पा रहे हैं, पता ना वो कौन सा पत्थर दिला जिसको सुनाई नहीं पड़ रहा ना दिखाई पड़ रहा है। लेकिन हम ये कहेंगे कि जिस समय आप इनके पास या इनके पास या इनके पास किसी के पास जब जाते थे, क्या बोलते थे उन लोगों को? आप लोगों को क्या क्लास मीटिंग होता होगा ना, लोग बोलते हैं सुनते हैं भाई हम भी कि ऑफिशियल मीटिंग चल रहा है, क्या मीटिंग चल रहा था उस समय? बोला जाता था कि कुछ नहीं होगा, ये मतलब कि चांद सूरज जैसा रहेगा वैसा ही सहारा इंडिया रहेगा, जिस तरह से समझाया गया हम लोग को। क्या बोला जाए कि कभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसके पास देनदारी का 3 गुना संपत्ति है और इसका अलग से 25% हम लोग को, जिस तरह से हुआ कि 100% में आपको सिखाया जाता था कि लोगों को सिखाओ जी। आज वो देनदारी, ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं भाई साहब, जो कुछ लोगों को हमारी बातें खराब लग रही होंगी, हम इसलिए ये सवाल कर रहे हैं, इसलिए ये सवाल कर रहे हैं कि जवाब दीजिए, ये सवाल कर रहे हैं कब दोगे आप, ये जवाब दीजिए आप, ये सवाल इसलिए उठ रहा है। कमीशन जो भी सैलरी बेसिस पे थे और हम लोग थे वो 40% पे था और 35% पूंजी में ऐड हो जा रहा था, जितना कमाई का तो और भी बृहद हो जा रहा था इसका, और 25% हम लोग को समाज कल्याण के लिए बचा के रखता था आदमी। एको सहारा क्यों सब खुला था, वो कहाँ गया? उस समय तो हम थे ही नहीं सर है? और कब आया? बंद हो गया जी। सहारा क्यों सब खुला हुआ था, बहुत ही लंबे सुने हैं कि यार राशन वासन साबुन वाबुन बिकता था उसमें, क्यू शॉप में इसको कन्वर्ट कर दिया गया था, सब पैसा भी कन्वर्ट किया गया सर। हम लोग का जब कहा गया था पैसा जब निकलने वाला था उसको बोलता था मत इसे क्यू शॉप में डालिए, क्यू शॉप डालिए, क्यू शॉप डाले, फिर दोबारा चेंज करवाया गया। क्या नाम से? दूसरा नाम सहारा लोग ने दूसरा नाम से कराया गया, सहारियन, सहारियन में केवल टरकाया जा रहा है, टरकाया जा रहा था है ना, और अभी तक वही किया जा रहा है क्या? बिल्कुल अभी तक वही किया जा रहा है। आज हम लोग अढ़ाई, हमारा इंडिया कौन है? हमारा इंडिया सहारा इंडिया के अधीन कंपनी है, जो एक सोसाइटी का है रूप, उसी के अंतर्गत है, तो सहारा का ही जी, बिल्कुल सहारा का ही है। और अभी भी हम लोग जो वहाँ पास आए थे, एडन गुरु वगैरह सब जितना तरह का, ये भाई साहब सुन लीजिए, जो क्वेश्चन कर रहे थे आप कि सहारा का नाम क्यों ले रहे हैं, सुन लीजिए, एडन गुरु और ये क्या बोलते हैं विंस जैसा कंपनी भी लाया है, उसमें जो काम कर रहा है आदमी, इसको छोड़ के यही सहारा इंडिया के अंतर्गत आता था वो भी। अच्छा। और अभी फिलहाल वो अलग हो गया कि नहीं इसमें नहीं है, अभी सारा जगह ये सब चेंज करके सहारा इंडिया का बोर्ड हटा कर ये न्यू दुनिया ये वो सब लंदर फंदर जितना बहुत तरह का कंपनी आ गया। हमारी दुनिया, अब ये हमारी दुनिया कौन है कि ये किसका है? ये सहारा ही बोर्ड लाया है हमारी दुनिया का, मतलब सहारा का नाम हट गया वहाँ से जी, हमारी दुनिया के नाम से अभी चला रहा। कंफर्म है जी? तो जो हमारी दुनिया के जो लोग इसके बाहर में बोर्ड टंगा हुआ है सर। अच्छा। हमारी दुनिया, ये हमारी दुनिया जी है ना? हाँ ये हमारी दुनिया है। किसके दुनिया? ये दुनिया को ठगने वाला है, पब्लिक को ठगने वाला है, दुनिया है हमारी दुनिया सहारा की है। कौन? सुब्रत राय के, सुब्रत राय का है दुनिया, मतलब कंफर्म है, एकदम कंफर्म है हमारी दुनिया, क्योंकि आप अभी करता अभी एजेंट जी। हाँ। अच्छा, ये जो एजेंट लोग हैं इनको मालूम है? हाँ, जिंदगी भर कमा के उसको बना दिए, माला माल कर दिए। ये देखिए, ये भी दिव्यांग है, ये भी दिव्यांग है बेचारे, वाला का देन है डायरेक्ट है। आज क्या लग रहा है? अब आज तो मर गए हैं, अब क्या करे, हमारे अंदर में ताकत भी नहीं है, तो उसको लंका के रावण के जैसा हम उसको पूरे हिंदुस्तान के बीच में जला के रख देते, ये अंदर से हमको जलन गुस्सा आ रहा है, ये फील है वो अंदर वाली फील। हाँ। बात कर रहे हैं जो आक्रोश ये छलक के सामने आ रही है क्या जी? ये आक्रोश है भाई साहब, ये जो बात अभी सामने आ रही है हमारी दुनिया, आप तो काफी दिन से हैं इनके लाइन में, तो ये किसकी है? कि ये सुब्रतो राय की है,
और सब खाली लूटने के शुरू से ही लूटने का 2003 से इन लोग कन्वर्जन का स्टार्टिंग किया था। बोल देगा कि तो सहारा है नहीं तो हमारी दुनिया अलग। हाँ हाँ, वो कंपनी हमारे दुनिया सहारा दुनिया हमारा है और ये हमारे सुब्रत राय का दुनिया है, दुनिया हमारे दुनिया तब लूट लिया उन लोग, लूट लिया है ना, जिंदगी लूट लिया, पैसा लिया, धन दौलत लूट लिया, अब इंडिया को लूट लिया, अब हमारी दुनिया को पूरे लूट लेगा इन लोग। हमारी दुनिया जी, इंडिया का नाम था तब हमारी दुनिया को ले। तो आप हमको एक चीज बताइए, तो आप लोग को फिर वहाँ नौकरी नहीं दिया जा रहा है? नौकरी क्या, वो खाने के लिए रोटी नहीं मिलेगा, टॉफी नहीं मिलेगा कि हम लोग के बाद पैसा था, हम लोग सब जमा कर दिया, सो पैसा अपना पैसा जमा के जो हम लोग कमाए। हमारी दुनिया जो आया है अभी तक, तो उसमें आप लोगों को नहीं बोला जा रहा है कि आ जाइए इसमें भी काम कीजिए? अब वो तो कह रहा है कि काम कीजिए, आपको कीजिए, पैसा मिलेगा, आप डालिए 100 रुपया डालिए तो आपको 50 रुपया मिलेगा, हाँ डालिए तब हमारा भी पेट भरिए, इसके बाद जब जूठा बचेगा तो आप लोग को फेंक देंगे, आप लोग खाइए जूठा को खाइए। क्या लग रहा है अंदर से जैसे वो बोल रहे थे? अब ऐसा अब अंदर क्या लग रहा है? अंदर से लग रहा है जबकि लड़ना पड़ेगा, अब लड़ना पड़ेगा, जब तक नहीं लड़ रहे तब तक कुछ नहीं हो। विनोद कुमार पांडे जी, जी अभी कुछ कहेंगे? नहीं मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं आपसे थोड़ा सा पूछूंगा कि आप लोगों के हम नहीं रखे हैं पैसा आपका, नहीं आप लोग इतना सहयोग कर रहे हैं इसके लिए आभारी का हम लोगों का कोई कमी नहीं है, मतलब इतना आभार है कि कुछ बोलने के लिए नहीं है, मैं जमा करता ही हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत है ना, कोई भी आज तक हम लोग प्रिंट मीडिया में ये सहारा का कोई खबर नहीं देखते हैं, ये बड़ा दुख लगता है। ठीक है जो पैसा गया है, जो हम लोग विरोध कर रहे हैं उसका अंजाम क्या होगा हम लोग भी नहीं जानते, मैं बहुत शंका में हूँ क्योंकि मेरी पैसा पहली बार मजाक से लगा था, जो हाउसिंग सोसाइटी का लगा था कि एक अगर घर मिल जाए ऐसा करके, उससे मैंने लगाना शुरू किया, आज के दिन में मेरा 1,27,00,000 रुपया अपना लगा हुआ है सहारा में। सहारा में कितना? 1,27,00,000 रुपया। एक तो सबसे बड़ा अमाउंट अभी तक का, जब मैं करीबन 3-4 महीने से न्यूज कर रहा हूँ, 1,27,00,000 का मैं आपको दूंगा रसीद, मेरे पास लगा हुआ है। हैवी अमाउंट है, तो आप बैंक में जाते तो क्या बोलते हैं? 1,56,00,000 मेरा मैच्योरिटी वैल्यू है, हम चकदापुर में सब इन्वेस्ट किए हैं। अच्छा। ठीक है, अभी हम 5 साल से रांची में हैं, बैंक में क्या जाते हैं, वो बीएम बोलते हैं कि आप मेरे एस्टीम्ड बहुत इन्वेस्टर हैं, आपको हम एक नाम से जानते हैं, दत्ता जी को हम एक नाम से जानते हैं, अगर कभी भी पैसा दिलाया जाएगा तो सबसे पहले आपको हम चकदापुर से दिलवाएंगे। अब अगर में मगर है, मगर मछली है, आप देख ही रहे हैं कितने बड़े बड़े मगर मछली है, ये अगर मगर तगर बगर कब तक ये चलेगा ये अभी देखने वाली बात होगी, और जो लोग हैं जिनके आंसू निकल रहे हैं ये कब तक आंसू सूखेंगे यह देखने वाली बात होगी। बहरहाल हमारा काम है इनकी बातों को आगे तक पहुंचाना, हमारी कोशिश रहेगी कि हम इनकी आवाज बनते रहें। तो आज की खबर में बस इतना ही, बने रहें SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।